ऑलरेडी कंप्लीटेड। वेब 2.0 टेक्नोलॉजीज जो वेब 1.0 पर्सनलाइज्ड एंड द इंडिविजुअलाइज्ड के ऊपर आपको पॉइंट आउट करके लिखना है, वेब 1.0 एंड वेब 2.0 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्या क्या इश्यूज हैं उसके। नेक्स्टली वेब 2.0 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज आई थिंक वर्चुअल क्लासरूम। सो नेक्स्टली मूव करते हैं। यस, इट इज़ ऑल अबाउट द वर्चुअल क्लासरूम। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एंट्रांस एग्जाम्स। सो फ्यूचर एंट्रांस एग्जाम में जब आता है ना क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द ओपन हाउस एग्जामिनेशन और सीवीटी टेस्ट और व्हाट अबाउट द ओपन एजुकेशन सिस्टम, जस्ट लाइक द हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो स्टेट और सेंट्रल में आपका इग्नू या फिर ऐसे डिस्टेंस मोड पे एजुकेशन सिस्टम को ओपन किया जाता है, दैट इज़ अ ओपन हाउस बोल सकते हो या ओपन स्टेट एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है, जो कि फ्री रहता है। दैट मीन्स फ्री मीन्स यहाँ पे बर्डन फ्री होता है, ऐसा नहीं है कि फीस में फ्री आएगा, जो आपका नेगोशिएशन पॉइंट है वो भी रहेगा, जो भी आपका नॉमिनल फीस है वो भी मेंशन रहेगा, बट आपको फ्रीली सारे एजुकेशनल जो मैटर्स हैं या फिर मटेरियल्स हैं वो मिल जाएंगे। सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इज वन काइंड ऑफ सिस्टम वेयर वी गेट ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स इन फ्री वे। सो आप यहाँ पे फ्री वे में मिलता है, जस्ट लाइक टेलीग्राम, जहाँ पे आप फ्रीली सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो एंड अवेलेबल रहता है, इजीली आपको वहाँ पे सर्च करने से मिल जाता है। सिमिलरली इन वेवलिंग्स, वेरियस टाइप ऑफ वेवलिंग्स आर ऑल्सो देयर इन द इंटरनेट सिस्टम वेर यू कैन फाइंड एज पर योर ओन चॉइस द सब्जेक्ट मैटर एंड डाउनलोड द PDF और द PPT और स्लाइड्स हियर। आफ्टर दैट यू मेक योर ओन नोट्स फॉर दिस फ्रॉम दिस। सो उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है, येस और नो, या नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना? थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको क्या मेंशन करना है, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस क्या है, सो आपको टोटल नहीं लेना है कि यूनेस्को बिलीव दैट द यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन इज की टू द बिल्डिंग ऑफ पीस, इतना मेंशन नहीं करना है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एक शॉर्ट क्वेश्चन जैसा आता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इट इज़ ए शॉर्ट क्वेश्चन एंड इसके बेसिस पे आपको इंट्रोडक्शन देना है, कंटेंट देना है एंड कितने टाइप्स के लिंक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट सिस्टम में उसको लिखना है एंड इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। बट इसने में आपको कोर्स मतलब इस पॉइंट का जो भी कोर्स है या मटेरियल्स है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन आप दोगे एंड यहाँ पे यूनेस्को ने क्या बोला, एक्चुअली यूनेस्को हो गया या राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो RTE ऑर्गेनाइजेशन है या NCTE है या फिर आपका जो CAB है, दैट इज़ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस आर कंपल्सरली ट्राई टू मेक आवर एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सल, मतलब आपके एजुकेशन सिस्टम को यूनिवर्सल वे में प्रेजेंट किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करेंगे। तो टू रिप्रेजेंट दिस एजुकेशन सिस्टम वन बेसिक पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल रिसोर्सेज। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आता है ना कि एजुकेशनल रिसोर्सेज और जो भी बुक्स हैं या फिर जो भी मटेरियल्स हैं वो फ्री हो जाए, शुड बी फ्री और फ्रीली अवेलेबल इन द इंटरनेट, सो दैट एवरी वन कैन गेट दिस रिसोर्सेज फ्रॉम द इंटरनेट और एनी अदर मीडियाज, सो वहाँ से वो ले सके। सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, इस पोर्शन से आप इंट्रो लिखेंगे, ठीक है? ये आपका इंट्रो पॉइंट है। सो इंट्रोडक्शन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड ये स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, स्ट्रैटेजिक मीन्स इट फॉलो सम स्ट्रैटेजी, वन बाय वन सारे टॉपिक्स के नोट्स अवेलेबल जैसे होते हैं सिक्वेंशियल वे पे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिफरेंट ऑथर्स के और राइटर्स के, तो उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी या फिर एक रूल्स तो होगा ना, रेगुलेशंस होगा, तो हम उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, किस लिए,
What is the reason? So to improve the quality of education as well as a facilitate policy dialogue. Policy dialogue. कोई भी चीज़ का ना एक पॉलिसी होता है. टर्म्स एंड पॉलिसीज जैसे मेंशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन द पॉलिसीज शुड बी मेंशन. तो उस पॉलिसीज को हम फॉलो करते हैं किस लिए? सपोज नॉलेज शेयर करना हो, या फिर आपका एबिलिटी को इंक्रीज करना हो, या फिर आपको एजुकेशनल जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है? कुछ गाइडलाइंस और फैसिलिटीज़ को, या फिर जो भी आपके स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है उसको फॉलो करना पड़ता है. तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू शेयर क्वालिटेटिव एजुकेशन टू ऑल, टू शेयर क्वालिटेटिव एजुकेशन टू ऑल वी नीड OER, दैट इज़ द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस. Open educational resources provide all type of material as per the community guidelines we mention kar sakte ho. Otherwise, strategic opportunities of policy makers. जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, उनके अकॉर्डिंग एज पर देयर रूल्स, एज पर देयर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये सारे मेंशनड होते हैं नॉलेज को शेयर करने के लिए. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे. दैट इज यहाँ पे इतना हो गया. अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन पे आप खत्म कर रहे हो, तीन लाइंस पे खत्म हो रहा. आप लिखोगे तो उसको 2-3 लाइंस ही होगा आपकी कॉपी में और एंसर शीट में. आफ्टर दैट आपको कंसेप्ट मेंशन करना है कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कब आया. ठीक है, कब आया, या कौन सी यूनिवर्सिटी से आया, या कौन सा टेक्नोलॉजी लेके आया, या कहाँ से आया, क्यों इतने सारे यूनिवर्सिटीज लिंक्ड हैं, क्यों ये कॉलेजेस लिंक्ड है, कैसे हम लोग इसको रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, दैट मीन्स उससे ले रहे हैं या फिर डाउनलोड्स कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न. यहाँ पे आप बेसिकली जो रीज़न लिख रहे हो कंसेप्ट के बेसिस पे कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का. सो इन 2001 मास्कुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड MIT, नीट बोल सकते हैं, या फिर आप जस्ट लाइक नीट होते हैं NIT, और वैसे ही आया मीट, दैट इज़ अ मास्कुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन एन अनप्रिसिडेंटेड मूव अनाउंस द रिलीज ऑफ नियरली ऑल इट्स कोर्सेज ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री एक्सेस. तो इस टेक्नोलॉजी में, दैट मीन्स कौन सा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मास्कुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉलेज जैसा है, और बोल सकते हैं एक यूनिवर्सिटी जैसा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ाई होता है, स्टडी किया जाता है, जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जस्ट लाइक BPUT है, अदरवाइज NIT है, तो वैसे ही ये भी है MIT. तो मास्कुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्या किया, बिना टाइम बर्बाद किए ये अनाउंस किया कि जो बच्चे दूर पे रहते हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सारे कोर्सेज को ऑनलाइन में फ्रीली अपलोड करेंगे या फिर शेयर करेंगे, रिलीज कर देंगे. सो अगर रिलीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट के थ्रू बच्चों को ईजीली मिल जाएगा, दैट इज़ फ्रीली दे एक्सेस फ्रॉम anywhere, इन एनी टाइम, कहीं से भी वो रहे या कहीं पे भी वो काम करे, कुछ भी करे, कोई भी टाइम पे वो इसको ले सकते हैं. सो ये मेंशन हो गया फर्स्ट पॉइंट में. एज द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग फ्री और ओपन कोर्स वेयर इंक्रीज्ड. सो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑल दी जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, एज पर दी ऑल गाइडलाइंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस ने राजी हो गए, दैट मीन्स वो चाहने लगे कि हमारे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं या रिकॉर्डेड मटेरियल्स होते हैं या प्रैक्टिकल मटेरियल्स होते हैं, हम सब कुछ क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे कहाँ पे, मीडियाज पे, इंटरनेट पे, सो वहाँ पे बच्चे ईजिली उसको अवेल कर सके फ्रीली, एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इससे स्टार्ट. That means पहले start किया किसने, Massachusetts Institute of Technology ने. After that number of institution offering free or open courseware increased. So इसलिए courseware सारे बढ़ गए, जितने भी चीज़ें थे, just like होते hardware software, वैसे ही हो गए courseware. That means the different subjects के जो भी information से related to biology, chemistry, physics, maths, जितने भी है सब कुछ available. UNESCO organized the first global OER forum
इन 2002. सो यूनेस्को ने इसके अकॉर्डिंग इतना उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटीज बहुत ही ज़्यादा ओपन हो रहे हैं एंड सबके लिए वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम एक ग्लोबली ओपन किया, क्या फोरम को, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फोरम को उन्होंने ओपन किया, राइट. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फोरम उन्होंने ओपन किया जहाँ पे बच्चे इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एनी नोटिस हो या फिर एनी न्यूज हो, एनी बुक्स हो या बुक्स के पीडीएफ हो, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा. ये 2002 में हुआ. पर द टर्म उसके बाद उन्होंने एक टर्म दिया, दैट इज अ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज वाज एडेप्टेड. दैट मीन्स उन्होंने इन्वेंट किया या फिर इसे एडप्ट किया गया. कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फर्स्ट 2001 का लिखना है. ओके, तो उसको लिखना है आपको MIT का. यस बोलिए. हाँ, ये भी ओपन एजुकेशन होगा बिकॉज वहाँ से सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड ये इंटरनेट मीडिया के थ्रू आपके पास आ रहा है, देन ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है बिकॉज आप टेलीग्राम से या व्हाट्सअप मीडिया से इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल. सबको यहाँ पे हार्टली इन्वाइटेड रहता है कि कोरियली वो आ सकते हैं एंड उनके इंफॉर्मेशन जितना भी वो ले सकते हैं. सो ये भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है. ठीक है, ओके ओके. सो नेक्स्ट देखिए, मीनिंग इस पोर्शन को नहीं लिखना है. टोटली देखो कट किया गया है तो मीनिंग हेडिंग देना है. दिस इज द हेडिंग. ये कौन सा हेडिंग है? थर्ड हेडिंग है. फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज द कंसेप्ट, थर्ड वन इज द मीनिंग. बट ये पोर्शन को मैंने टोटल कट किया, नहीं लिखना है आपको. कौन सा पोर्शन लिखेंगे? सो मीनिंग यहाँ पे जाना है. यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है दैट इज OER डिफाइंड. ठीक है, OER डिफाइंड, उसके साइड में भी मेंशन है, दैट इज द मीनिंग पार्ट. सो OER टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च रिसोर्सेस. देखो क्या क्या अवेलेबल होता है आपके इंटरनेट पे या फिर जो ओपन मीडियाज होते हैं जहाँ पे भी आप लोग इंफॉर्मेशन को लेते हो, जस्ट लाइक टेलीग्राम. जो भी न्यूली एडोप्टेड एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये मीडियाज ओपन रहते हैं फॉर ऑल, कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है, ऐसे ही है. सो वैसे आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप इजीली ले सकते हो. सो ये क्यों यूजफुल है? इट इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग सेशन. ये टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए और रिसर्च रिसोर्सेज के लिए बहुत इजी हो गया. दैट मीन्स रिसोर्सेज दैट रिसाइड इन द पब्लिक डोमेन. पब्लिक डोमेन मीन्स यहाँ पे पब्लिक हेड है. ठीक है, पब्लिक हेड है. दैट मीन्स मेरा यहाँ पे नाम मेंशन हो गया, मैं यहाँ पे ऑथर हूँ या फिर राइटर हूँ एंड अकॉर्डिंग टू मी मैं यहाँ पे हेड हूँ एंड उसके साथ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिंक्ड हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो. तो ये हो गया एक पर्टिकुलर बिग डोमेन एंड आप यहाँ पे लिंक्ड हो. दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक हैं, इसलिए पब्लिक डोमेन अभी बन गया बिकॉज पब्लिक को यहाँ पे हम इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आ सकते हैं और रिसर्च पेपर हो, टीचिंग पेपर हो या लर्निंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं. बट यहाँ पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो वो डेफिनेट एक गाइडेंस के थ्रू ही जाएगा या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाएगा. ये रूल्स क्या है? पर्टिकुलरली ये रूल्स होता है जस्ट लाइक टर्म्स एंड कंडीशन. आप क्या करते हो, जब भी कहीं पे सर्च करते हो कुछ ऑप्शन तो नीचे में आपको एक लास्ट सेक्शन में मेंशन होता है, दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशन और कुकीज. आप उसको अगर एक्सेप्ट और अलाउ कर देते हो तो वो इंफॉर्मेशन एज द नोटिफिकेशन लेवल आते रहता है. तो ये नोटिफिकेशन लेवल लाइसेंस ना, अगर आपको ड्राइविंग करना हो तो लाइसेंस चाहिए. वैसे यहाँ पे आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देना हो तो आपके पास वैसे लाइसेंस होना चाहिए कि आप एबल हो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए. आपके पास उतना क्या है, लाइसेंस वाले रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसको आप फॉलो करते हो एंड एज पर दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस आप उसको शेयर करते हो. तो ऐसे यहाँ पे क्या है, देखो OER टीचिंग लर्निंग रिसर्च रिसोर्सेज दैट रिसाइड इन द पब्लिक डोमेन और हैव बीन रिलीज्ड. हम कैसे रिलीज करते हैं या फिर कैसे यूनिवर्सिटी से सारे इंफॉर्मेशन रिलीज होते हैं? अंडर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस
इंटेलेक्चुअल मीन्स ये कॉग्निटिव लेवल पे ही होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन ही देगा। कॉग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस होगा दैट परमिट्स देयर फ्री यूज एंड रीपर्पसिंग बाय अदर। आप उसको यूज कर सकते हो या फिर रीपर्पसिंग कर सकते हो। मेरे पर्पस के लिए मैंने इसको यूज किया, फिर उसको मैंने मॉडिफाई किया, एडिट किया एंड उसको अगेन सबमिट किया या फिर अपलोड किया, तो ये भी पॉसिबल होता है। तो वहाँ पे एक कंडीशन आता है, कॉपीराइट माइट बी पॉसिबल, या फिर कॉपीराइट कर सकते हैं हम लोग। तो ये फॉरबिडन नहीं है, इसको हम मना नहीं कर सकते, तो कॉपीराइट हो सकता है इस। तो ये इंफॉर्मेशन आप मीनिंग में देंगे। उसके बाद क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड करेगा? जितना आपको पता है सारा चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दो, जो जो आपको यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, जो भी आपको इंटरनेट के थ्रू मिलता है, जितना मिलता है ना यहाँ पे याद करके उतना लिख देना। दैट इज अ फुल कोर्स, कोर्स मटेरियल, फुल कोर्स मीन्स अ सिलेबस। करिकुलम नहीं मिलेगा आपको, सिलेबस मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर जो भी आप पढ़ाई करो, दैट इज इन द एकेडमिक कोर्स, जो भी आपका एकेडमिक कोर्स है उसके अकॉर्डिंग फुल कोर्सेस मिलेगा, दैट इज अ सिलेबस। देन कोर्स मटेरियल, तो आपको सब्जेक्ट मैटर्स मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगे। मॉड्यूल्स में जस्ट लाइक ये करिकुलम बेस्ड में मॉड्यूल्स भी आते हैं छोटे छोटे पार्ट में, कि कौन से सिलेबस को आपको यूज करना है, बिकॉज एवरी ईयर्स का कुछ कुछ सिलेबस चेंज होता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स भी चेंज होते हैं, एंड बुक्स जो भी रेफर्ड होता है सिलेबस में उसको भी पढ़ना पड़ता है। एंड मॉड्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एकेडमिक सेशन का, नॉन एकेडमिक सेशन का, रिजल्ट का, एंट्रांसेस का, एग्जामिनेशन का, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स आता है। टेक्स्ट बुक मैंशन होगा, स्ट्रीमिंग वीडियोज, बिकॉज अभी के टाइम पे नाउ द सिस्टम इज ऑनलाइन, सो एवरीवेयर वी कैन यूज द स्ट्रीमिंग वीडियोज, और वीडियो सेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाई द यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से ये सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड लाइव वीडियोज को हम लोग लिंक के थ्रू छोड़ देते हैं। टेस्ट होता है, सॉफ्टवेयर है आपको एग्जामिनेशन के लिए या प्रैक्टिस के लिए, एक एक ऐप बनाया जाता है, वहाँ पे आप लोग कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, आप आंसर्स दे सकते हैं एंड रिजल्ट्स आपका देख सकते हो कि कैसा आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। एंड एनी अदर टूल्स, कोई भी टूल्स और भी हो सकते हैं, टूल्स मटेरियल्स टेक्निक्स भी हो सकते हैं, जो भी आपके नॉलेज को बेस्टली सपोर्ट करे, आपके सपोर्ट करे किसको, नॉलेज को, इंटेलेक्चुअल लेवल में आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर है इतना? यस और नो? ओके, तो ये मीनिंग पार्ट है, दिस पोर्शन इज फॉर मीनिंग लेवल। तो ये मीनिंग के बाद आपको ऊपर जाना, अगेन डेफिनेशन लिखना है। अभी देखो डेफिनेशन में आपको ये पोर्शन बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, डेफिनेशन हेडिंग देके अंडर दिस हेडिंग ये पोर्शन मेंशन करना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्यूलेट्स ओन डेफिनेशन। क्यूलेट्स ओन डेफिनेशन, उनका खुद का डेफिनेशन मेंशन है क्यूलेट, तो इतना ज़्यादा ओन डेफिनेशन नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्यूलेट्स, अकॉर्डिंग टू क्यूलेट्स ऐसे मेंशन करते हुए पूरा आपको मेंशन करना है। ये ऑलरेडी इतना पार्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो पार्ट मेंशन है फिर से, जो मीनिंग में फिर से डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन मेंशन था वही पार्ट। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आर टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या क्या है, ये टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च रिसोर्सेज है, एंड दैट रिसाइड इन द पब्लिक डोमेन। ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, तो पब्लिक डोमेन में फ्रीली एक्सेस करने के लिए ये प्रेजेंट रहता है। रिसाइड दैट मीन्स उसके अंदर, एक डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स इंटरनेट में एक वेब लिंक होता है उसके अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। और हैव बीन रिलीज्ड अंडर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो भी नॉलेज है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सारे आपको मेंशन किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगा वो किसके बेस्ड होगा, दैट इज अ प्रॉपर्टी लाइसेंस एंड दैट परमिट्स देयर फ्री यूज और रीपर्पसिंग बाय अदर्स। तो आप इसको यूज कर सकते हो या फिर फ्रीली यूज करने के बाद जो भी आपका पर्पस है उसको कंप्लीट करने के बाद रीपर्पस कर सकते हैं, दैट मीन्स आप किसी को शेयर कर सकते हो या फिर आपके अकॉर्डिंग एडिट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। सो ह्यूलेट्स का यहाँ पे मेंशन है, ह्यूलेट्स का आप डेफिनेशन देंगे, इतना पोर्शन हो गया, कंसेप्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं, वही पोर्शन फिर से मेंशन है, दैट इट कंटेन्स वेरियस थिंग्स, इट कवर्स लेक्चरिंग वीडियोज, टेस्ट मटेरियल्स, पॉडकास्ट, इंटरेक्टिव लर्निंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट मटेरियल, सब्जेक्ट मटेरियल, मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। तो वो ऑलरेडी लिख चुके हैं मीनिंग पे, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, इसलिए कट है कंसर्न। एंड 2002 में बाय यूनेस्को फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फोरम वॉज एडप्टेड, तो ये एडप्ट किया गया। तो ये पोर्शन ऑलरेडी हमने मेंशन किया था, तो आपको नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट पोर्शन को आते। सो दैट इज कॉल्ड कोल, यहाँ पे कोल मेंशन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग. अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय कॉमनवेल्थ? वर्ड्स को तोड़ दो, ब्रेक करो, आपको समझ आ जाएगा. कॉमनवेल्थ, वेल्थ मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ? क्या समझते हो वेल्थ से? यस प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी शुड बी कॉमन फॉर ऑल. जो प्रॉपर्टी सबके लिए रहता है, सबके लर्निंग के लिए अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड द कॉमनवेल्थ प्रॉपर्टी, और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं. तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी बोल सकते हो या कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, बिकॉज ये लर्निंग के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक करिकुलम, बुक्स, टेक्स्ट बुक और जितने भी मटेरियल्स हैं, ये लर्निंग पर्पज के लिए है. सो दैट इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग. कोल, कोल इज स्ट्रांगली कमिटेड टू, किसके साथ कमिटेड है कोल? किसके साथ कमिटेड है? दैट इज टू क्रिएशन, किसी चीज को क्रिएट करना है. एडाप्टेशन, कोई चीज को एक्सेप्ट करना है. और यूज ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को यूज करना है, बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन वाइल कटिंग कॉस्ट और इम्प्रूविंग क्वालिटी. सो यहाँ पे क्या होता है कॉमन वेल्थ ऑफ लर्निंग में, जहाँ पे हम सब यहाँ पे अवेलेबल है कॉमन वेल्थ के अकॉर्डिंग, बिकॉज हम लोग लर्निंग पर्पज के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर कहाँ से करते हैं? From the internet, and from this internet system we get various type of information. After that we cut them or edit them or mix them. Well, again हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे या फिर repurpose करेंगे, repurpose के लिए use करेंगे. तो ये चीज़ यहाँ पर होता है. तो open educational resources को use करने के लिए commonwealth of learning यहाँ पर mentioned है, ठीक है. So they are therefore an important element of goals, mission of learning for development. तो goal, goals का जो mission है, that is a learning for development. Development के लिए learning important है. So इससे अगर extend करना चाहते हो तो next portion को जाना है आपको, because ये short question हो गया तो इतना enough है. But अगर long question में आया by chance, by anyhow, then long के लिए आपको short से और कुछ कुछ और एक दो पेज मेंशन करना पड़ेगा जो नेक्स्ट लिए. सो लर्निंग डेवलपमेंट के लिए, दैट मीन्स डेवलपमेंट थ्रू लर्निंग के लिए कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, एंड कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का एक पार्ट है, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. तो उसको एडप्ट करना है, उसको एडिट करना है, कट करना है, देन उसको यूज करना है. तो ये पोर्शन आप मेंशन करेंगे, एंड नेक्स्टली इस पोर्शन पे चलेंगे. कंटिन्यूएशन पे जाना है आपको, सेपरेटली नहीं लिखना है. तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या अवेलेबल है ये देखिए. So first thing, it includes various point or learning content, videos related to any topic or subject material, audio clips, images, lecture notes, reading list, what books should be available in the market according to your curriculum, open educational resources curriculum, or what book should be used for the practical, or what should be used for your extra reference. So कौन सा book आप extra reference के लिए use करेंगे, learning के लिए use करेंगे, ये सब mention कर सकते हैं. देन नेक्स्टली क्या मेंशन है, कोर्स असाइनमेंट. बहुत सारे कोर्स असाइनमेंट आपको भी मिलता है, एंड इंटरनेट पे उसके इन्फॉर्मेशन मिलता है, एंड उसके थ्रू आप लिखते हो. तो वही है सिलावी एंड द लेसन प्लान. सिलावी मीन्स वेरियस टाइप, जब सिलेबस आते हैं तो उसको हम सिलावी बोलते हैं एट ए होल. एंड लेसन प्लान्स मेंशन होते हैं, टेक्स्ट बुक्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, एंड बहुत सारे डेटाज भी हैं यहाँ पर. ओके, डेटाज के बाद और भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ रहता है. जस्ट लाइक छोटे बच्चों के लिए हुआ तो इंस्ट्रक्शनल गेम्स होगा, हमारे लिए इंस्ट्रक्शनल गेम्स नहीं होते, टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ क्विजलेट मॉडल्स होते हैं, एंड एट्सेट्रा. तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करना है. अभी डायरेक्टली टूल्स पे जाना है कि इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होता है. सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज होगा, तो वेरियस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू वेब पेज, अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन और पब्लिशिंग प्रोग्राम्स, video editing programs and bibliographic management system. That is called reference, जहाँ पे भी mention होता है. आप लोग slide share देखना, या फिर slide share में भी नहीं, actually आपको articles देखना चाहिए या book में देखना चाहिए. आप जब कोई भी अच्छे books को पकड़ना, ये सारे books आपके पास जो हैं ये original में नहीं है, ये सारे xerox हैं. तो xerox में ये points mention नहीं होते, but original books में mention होते हैं. Just like कौन से writer ने लिखा हुआ है, या author ऑथर ने इसको राइट किया है और हैड रिटन. आफ्टर दैट यहाँ पे मेंशन होता है एडिशन नेम, देन यहाँ पे मेंशन होता है कि एडिशन ये कितने नंबर का है, दैट मीन्स द थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 17th, 27th, कौन सा एडिशन है. एंड अगर मॉडिफाई किया गया है तो कौन से एडिशन से मॉडिफाई हुआ है, व्हाट इज़ द प्राइस और वैल्यू ऑफ दिस बुक, बुक का वैल्यू कितना है, सब कुछ मेंशन होता है बिब्लियोग्राफिक में. वहाँ पे कोर्स कंटेंट से स्टार्ट करके जितने भी ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके बारे में भी मेंशन होता है. एंड जो भी
कोर्स विद इन दिस बुक है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, और जिस्ट फॉर्म में वो रहता है, ठीक है. एंड कोर्स मैनेजमेंट, कौन सा बुक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कोर्स मैनेज करना है आफ्टर वन बाय वन, पेपर वन टू थ्री, ये जो मेंशन होता है वो कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है. ओके, सो वेब पेज एडिशन हो गया, एडिटिंग करना है तो एडिशन करेंगे वहाँ पर, वीडियो एडिटिंग हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम्स, दैट इज डेस्कटॉप के थ्रू जब हम अपलोड करते हैं कोई भी बुक को या फिर कुछ को तो उसको भी हम पब्लिशिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तो मस्ट चाहिए, बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई चीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इन HTML और एनी अदर द PDF व्यूअर और WPS ऑफिस और एनी अदर मीडियाज आर ऑल्सो प्रेजेंट टू ओपन दिस आर्टिकल्स और ओपन दिस PDFs और ओपन दिस स्लाइड शेयर टू लर्न वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस. सो इतना पढ़ने के लिए ये सब चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज थोड़ा बहुत लिखो, ज़्यादा नहीं चाहिए. दैट इज कौन से टाइप के लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन होते हैं. फर्स्ट टाइप तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस चाहिए. अगर आप कोई भी एजुकेशनल पर्पस पे कुछ भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो या PDF डालना चाहते हो तो देन यू नीड दिस. So that is intellectual property licenses. After that, best practices documents. जो भी documents हो वो सबके लिए available होना चाहिए and useful होना चाहिए. Nextly, interoperability measures. So inter means within या in between. कौन सा होगा? Within or in between? Within or in between? Inter means कौन सा होगा? In between. तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी दैट मीन्स यहाँ पे ऑपरेट बहुत सारे लोग कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का हेड रहेगा वो भी ऑपरेट कर सकता है. अगेन यू आर द सेपरेट लेक्चरर और सेपरेट टीचर जो आप सेंड कर रहे हो तो पब्लिश करा रहे हो तो आप भी ऑपरेट कर सकते हैं. तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी मेजर्स रहेंगे यहाँ पे, इंटर ऑपरेटिबिलिटी मेजर्स एटसेट्रा. देन कोर्सेस हैं, कोर्स मटेरियल्स हैं एंड कॉन्टेंट मॉड्यूल्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शंस एंड जर्नल्स. दैट मीन्स द कलेक्शंस ऑफ मेनी आर्टिकल्स एंड जर्नल्स होना चाहिए. यहाँ पे पॉइंट्स थोड़ा सा छूट गया है क्योंकि कलेक्शंस एंड जर्नल्स, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन यहाँ पे एक साथ होगा ये पॉइंट, एंड लास्ट वन इज द जर्नल, ये थोड़ा सा अलग हो गया. लर्निंग ऑब्जेक्ट्स अलग हो गए, कलेक्शंस अलग हो गए, तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन एंड द जर्नल्स हो गया. इतना पोर्शन भी लिख देते हो जाएगा. अदरवाइज ये जो पॉइंट्स है, दैट इज अदरवाइज जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, लिंक्स टू सेवरल स्ट्रेटेजिक गोल्स. आपको मैंने बोला था बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रैटेजीज टू फॉलो, स्ट्रैटेजीज टू फॉलो और स्ट्रैटेजीज टू फॉलो द मार्केटिंग सिस्टम, एंगेजमेंट सिस्टम और हाउ टू मीट द स्ट्रैटेजिक कंटेंट ऑन नीड. कैसे बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग हम काम करें या फिर बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए प्रॉपर, एम्प्लॉयर्स को अच्छा रिजल्ट मिले या फिर स्टूडेंट्स को भी अच्छा रिजल्ट मिले, उस बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनते हैं. सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज रिलीज वुड ऑल्सो मीट स्ट्रैटेजिक नीड्स एंड स्पेशली कौन से स्ट्रैटेजिक नीड्स के ऊपर वो काम करते हैं, एंगेजमेंट विथ ए वाइडर कम्युनिटी, बहुत बड़े कम्युनिटी के साथ हम लोग डील कर रहे हैं बिकॉज ऐसा इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे थाउजेंड थाउजेंड पर्सन, इवन इफ लैक्स मिलियन पर्सन इसको देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते, पढ़ सकते हैं. एंगेजमेंट विद द एम्प्लॉयर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज ऑलवेज लिंक विद द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज, बिकॉज एम्प्लॉयज आर द बेसिक पॉइंट हु मेड दिस, जो इसको बनाते हैं. Then after that, sustaining vulnerable subject. Some subjects are near to be extinct. कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे ख़त्म होने में आ गए, मतलब वो पोर्शंस को आप लोग नहीं पढ़ते. हमारे जो भी प्रीवियस जेनरेशन थे, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या फिर पेरेंट्स के बाद हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, जो भी सीनियर्स हैं, वो पढ़ते थे, बट हम लोग वो कोर्सेज को नहीं पढ़ते. तो वो सब्जेक्ट मटेरियल्स में भी इसमें आपको क्या मिल जाएगा, PDFs मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे एंड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे ताकि आप लोग उसको जान सको. Then enhancing marketing and engagement of prospective students worldwide. तो यहाँ पे जो भी बच्चों का prospective है, मतलब different type of need है, उसके according work होगा. उसमें ऐसे आप करोगे, ऐसे materials बनाना है जैसे कि बच्चे engaged हो. And enhancing marketing, मतलब marketing level में भी आपका reputation high हो, respect high हो and use भी हो, usability actually. Then brokering, broker तो जैसे काम करते आप लोग जानते हो, brokering, collaboration and partnership. तो समटाइम्स क्या होता है कि आप लिख रहे हो, कॉपी लिख रहे हो या पब्लिकेशन के साथ आप लिंक्ड हैं एंड यू आर द ऑथर एंड आपने जो भी राइटिंग किया उसको उसने पब्लिश किया, तो आप लोग दोनों कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो. एक पर्सन क्या कर रहा है, लिखता है और एक पर्सन इसको पब्लिश करता है, तो दोनों कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं.
तो इसको ओनली पॉइंट्स वाइज जो भी है उसको मेंशन करना है। आफ्टर दैट जो इसके एडवांटेज है इसको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देना है, आपको ओनली शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ओनली हेडिंग्स और ओनली पॉइंट्स मेंशन करने। तो आपको ओईआर क्यों चाहिए, क्यों चाहिए बताओ, अभी अभी तो पूरा समझ गए, क्यों चाहिए? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट्स आपके माइंड पे आ रहे हैं वही बता दो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर देना, मार्क्स आ जाएंगे। क्या हो सकता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हुआ तो क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, कोई भी एक तो बताइए। क्वालिटेटिव स्टडी मिलेगा, ओके, इम्प्रूवमेंट इन स्टडीज, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन इज पॉसिबल विदाउट विदाउट हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी हर्डल्स वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी हेयर वी कैन स्टडी। हम लोग यहाँ पे स्टडी जो कर रहे हैं, स्टडी फॉर वर्क, वी कैन स्टडी फॉर आवर जॉब और आवर फ्यूचर और फॉर आवर नेक्स्ट जेनरेशन टू स्टडी दैम और टू गिव दैम वैल्यूएबल टीचिंग। ऐसा हो सकता है जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यू कैन स्टडी फॉर एवरी वन, आप लोग जो स्टडी कर रहे हो ये सबके लिए हो सकता है, ठीक है। एक्सेस टू ए रेंज ऑफ डिजिटल फॉर्मेट्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस कहाँ पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप लोग डिजिटल फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, एक्सेसिंग कर रहे हो। जैसे कि मोबाइल फोन्स अगर चलाना आता है वहाँ पे कैसे सर्च करता है ये आता है, एंड गूगल से सर्च करें तो कौन से मीडिया से सर्च करें, कहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड इन्फॉर्मेशन को अगेन कुछ कुछ पार्टली मिलता है, दैट मीन्स हाफ पार्ट फ्रॉम वन लिंक अनदर लिंक से और हाफ पार्ट मिल गया, तो दोनों को कैसे मर्ज करके पढ़ाई करना है तो सब कुछ हमें पता चलता है। देन करेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स जस्ट लाइक होते हैं ना कॉइन्स, आप अगर बोलो कि 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपये है, तो 10 रुपीज में कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 10 कॉइन्स हो जाएंगे 1 रुपीज वाले, दैट इज कॉल्ड स्टेक ऑफ कॉइन्स और करेंसीज। तो ये जो इंडियन करेंसीज के बात कर रही हूँ या फिर कोई भी करेंसी जो हमने बोला कि नोट्स हो गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड करेंसी हो गए तो छोटे छोटे अमाउंट्स में आएगा, तो इन्फॉर्मेशन को आपको डिटेल्ड वे में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड फॉर्म में आपको मिलने वाला है यहाँ पे। Then next point, that is I use resources from some of the most reputable institution in the world. कोई भी institution हो जो भी reputation में बहुत high है, just like nowadays an academy or Byju's or other institutions are also present, that is a e-pathshala, बहुत सारे ऐसे हैं, different type of apps also mentioned or different type of wavelengths are also available through which यू कैन अचीव योर गोल, जिसके थ्रू आप अपना अचीव कर सकते हो गोल्स को। सो वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा होता है, दे गिव यू सम इंफॉर्मेशन थ्रू द PDF फॉर्मेट, दे गिव यू स्लाइड्स हियर, दे गिव यू सम एक्सटर्नल वीडियोज एंड इंटरनल वीडियोज ऑफ द टॉपिक्स, ओवरऑली वट आर द बेसिक यूज ऑफ दिस टॉपिक इन द वेरियस फील्ड्स, सब कुछ बताते वो डिटेलली। तो इसमें क्या होता है, रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन का जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको यूज कर सकते हो कहीं पर भी रह के। मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू, बिकॉज इंटरनेट इज ओपन फॉर एवरी वन, सो वहाँ पे सब कोई अपना व्यू लिख सकते हैं। सो एक ऐप है जस्ट लाइक क्वोरा, दैट इज अ क्वेश्चनिंग ग्रुप है, वहाँ पे क्वेश्चनिंग ऐप बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट के ऊपर जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया गया या एक स्टेटमेंट मिल गया, एंड उसके ऊपर सारे लोग अपना क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि ये बेटर होगा, ये बेस्ट होगा। वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स हैं जहाँ पे ये मेनी पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कोई भी एक बेसिक टॉपिक पे। सो इतने सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, सेव टाइम एंड मनी, बिकॉज आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा, आपको घर से ही पढ़ना है ओनली, एंड आप कहीं पर भी रह के पढ़ सकते हो, इसके लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं निकालना है, स्पेसिफिक आपको कहीं जा के नहीं पढ़ना है, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशंस फिक्स नहीं करना है या फिर स्कूल्स नहीं जाना है, कहीं पर जाना नहीं है, आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, सेव टाइम and money. Then expanded access to learning, ye always learning ko expand karta hai, that means it is not limited or it is not rigid, it is very flexible and it is for everyone, for every age people. So ye sabke liye hai, jitne bhi log hain ye society mein jo bhi padhna chahte hain, wo 50s ke ho, 60s ke ho ya 80s ke ho ya fir wo 8 saal ka hi kyun na ho, wo yahan se padh sakta hai. Scalability means यहाँ पे हमेशा क्या होता है ना, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आप स्कूल्स में जाते हो, कोई भी मटेरियल्स नीड करते हो एंड यू आस्क अबाउट दैट कॉस्ट, सो वो बोलते हैं इसका कॉस्ट इतना है, बिकॉज दे डिमांड दैट एज पर द स्टूडेंट्स नीड एंड दे डिमांड अकॉर्डिंग टू द हायर अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स, जो बुक्स अवेलेबल होते हैं एंड वो सबके नीड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारे पैसा मांगते, कॉस्ट लगा देते, सो बुक्स
प्रिफर करना या फिर खरीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इट कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बाय इट। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि बुक्स को या पीडीएफ को जब भी हम शेयर करें विद लिटिल और नो कॉस्ट इसको शेयर किया जाता है। आर्गुमेंटेशन ऑफ द क्लास मटेरियल, समटाइम्स सप्लीमेंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड द लेक्चर्स वेयर द डेफिशिएंसीज इन द इंफॉर्मेशन आर एविडेंट। आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, इट्स ओके, बट समटाइम्स क्या होता है इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होते या फिर इंफॉर्मेशन को जो भी टाइप कर रहे हैं तो वो टाइप में मिस्टिंग होता है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं या फिर वर्ड्स रॉन्ग हो सकते हैं या फिर अरेंजमेंट रॉन्ग हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है जो नॉर्मली टेक्स्ट बुक में भी पॉसिबिलिटीज रहता है। एनहेंसमेंट ऑफ द रेगुलर कोर्स कंटेंट, सो फॉर एग्जाम्पल बाई यूजिंग द मल्टीमीडिया और मल्टीमीडिया मेटेरियल्स ऑल्सो सच एज द वीडियोज और एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट और प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द मेनी फॉर्मेट्स एटसेट्रा, यू कैन ईजिली लर्न द मेटेरियल फॉर बींग टॉट। सो ऐसा होता है ना, आप लोग जैसे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो क्या करते हैं, हमारे पास तीन चार सिस्टम है, दैट इज टेलीग्राम में नोट्स अवेलेबल हैं या फिर आपके ग्रुप में अवेलेबल होता है या फिर आपके यूट्यूब चैनल में उसकी इंफॉर्मेशन और वीडियोस होते हैं, वैसे टीच मींट ऐप में भी वीडियोस होते हैं। सो इतने सारे जगह से आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। तो ये थोड़ा क्या हो गया कि रेगुलरिटी आप मेंटेन रख सकते हैं इफ वन डे यू स्केप इट, सो आफ्टर नेक्स्ट डे दैट मीन्स आफ्टर दिस डे यू विल प्रिफर फॉर द वीडियोज एंड यू विल गो थ्रू दिस वीडियोज एंड गेट योर इन्फॉर्मेशन। तो उसके थ्रू आप जिस दिन क्लास नहीं किए हो उस दिन का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड उसके थ्रू क्विक रिसेप्शन कर सकते हो। अभी देखो क्विक सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन मीन्स घूमना, एक इन्फॉर्मेशन ना पूरे ये में वर्ल्ड में घूम सकता है। कैसे, सपोज आपने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, आपने अगर शेयर किया उस इन्फॉर्मेशन को जिसने शेयर किया तो वो फिर पढ़ रहा है, उसको फिर से शेयर कर रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन रहता है कि इन्फॉर्मेशन ऑलवेज सर्कुलर मूवमेंट पे पूरे दुनिया घूमती है, ऐसे ही होता रहता है। नेक्स्ट है लेस एक्सपेंस फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आर ओपन इन द मीडिया एंड फ्री टू एक्सेस, सो इट हैज़ नो कॉस्ट और द लिटिल कॉस्ट। इसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज अगर कोर्सेज की फीस हैं दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता है सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम आता है कि सब्सक्रिप्शन के लिए इतने पैसे लगेंगे, 199 और 499 और 1000 2000 जो भी एक मेंशन होता है प्राइसेस, ये कोर्स पैक्स और हम बोल सकते हैं टेक्स्ट बुक के वो प्राइसेस लगा रहे हैं। Showcasing of innovation and the talent, sometimes very potential students, कुछ potential students होते हैं, they are very lucky to share their information, because वो बहुत lucky होते हैं because वो information को share कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, घर पर कोई अच्छा चीज़ लेके आते हो तो उसको showpiece जैसा है तो showcase में ही रखते हो, किस लिए, show करने के लिए। तो यहाँ पर भी बच्चों का जो talents है, as per their talents they show different type of information in notes or different type of PDFs, सो ये सारे उनके टीचर्स को देते हैं, टीचर्स अपलोड करते हैं या स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी। टाइल्स फॉर एलुमिनी, यहाँ पे क्या हो गया, टाइल्स फॉर एलुमिनीज, सो अभी आपका जो प्रोग्रेस है दैट इज मूव हो सकता है इन एक्सेलेंट वे। आप अगर पाथवे के अकॉर्डिंग देखते हैं दैट इज कॉल्ड टाइल्स, मतलब नॉटिंग करना या फिर बोल सकते हैं बांध के रखना। सो आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर आपका जो भी प्रोग्राम है ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस में चलेगा या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो आपका एक्सीलेंसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। सपोज क्या हो गया, ऐसे देखो सर के पास नाइक सर हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बीएड का या स्कूल का एकेडमिक सेशन हो, कुछ भी हो, ये सारे वन ईयर टू ईयर्स के लिए नहीं है, ये मल्टीपल ईयर्स के लिए है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के लिए। अगर लर्निंग यहाँ पे बेटर नहीं होगा दैन क्या होगा, ये धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं टाइज फॉर एलुमिनी दैट मीन्स अ पर्सन हु आर वेरी इफेक्टिव और वेरी अट्रैक्टिव फॉर द अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बच्चे क्या होते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं या फिर अच्छे मेंबर्स होते हैं इस इंस्टीट्यूशन के, सो दैट उनको देख के बहुत लोग आते हैं। वैसे एजुकेशनल ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड ये किसका है दैट मीन्स ये कौन से टीचर से आया है या फिर कौन से टीचर ने इसको लिखा है या फिर राइटर्स ने उनके, तो उसके अकॉर्डिंग में मेंशन होता है। कंटिन्यूअली इम्प्रूव रिसोर्सेज, समटाइम्स क्या होता है ना, आप जब भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में मटेरियल्स हम लोग बनाते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शंस रहता है, मैं आपको हमेशा इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आपको कंटेंट, पहले आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना है कंटेंट का, देन उसके बाद मीनिंग डेफिनेशन कंसेप्ट, देन इसका जो भी टाइप्स हैं या फिर कंटेंट और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो वो मेंशन होगा, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो इतने पोर्शंस को आप जो मेंशन करते हो ये एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलता है, ये पर्टिकुलर क्या है, वन काइंड ऑफ रूल है,
जिसको एडप्ट किया जाता है किस लिए, सोशियबिलिटी के लिए, और हम बोल सकते हैं इसको कि सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग। सो ये पोर्शन कंटिन्यूली इम्प्रूव्ड होते रहता है, बच्चे इसको करते हैं एंड उसमें अगर कुछ लैकुना रह गया या लैकिंग पोर्शन रह गया उसको करेक्शन करके फिर से करते हैं, तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होते रहता है। अभी देखो डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में ना शॉर्टली पूरा मेंशन करना, एंड मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया ओनली आपको समझाने के लिए दिया, एंड इट इज़ नॉट फॉर राइटिंग, आपको राइटिंग नहीं करना है, ओनली हेडिंग मेंशन करना है एडवांटेज का भी, डिसएडवांटेज का भी वही लिखना है। क्वालिटी इशूज़, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में क्वालिटी इशूज़ हो सकते हैं, लैक ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, मैंने अभी बोला था कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट इफ इश्यूज रह गए दैट मीन्स जो भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं ये अवेलेबल सबके लिए हैं एंड लोगों ने देखा बट उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहा। समटाइम्स आपको इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ मिल जाएंगे या फिर ऐसे ही टॉपिक्स मिल जाते हैं वेबसाइट्स में भी जिसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता एंड ये लेंदी वे में एक्सप्लेनेशन होता है तो उसको पसंद नहीं किया जाता है। तो ये किस लिए हुआ, लैक ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन, बातचीत नहीं हो रहा, मतलब स्टूडेंट्स का क्या नीड है टीचर्स को नहीं पता है, एंड टीचर्स क्यों लिख रहे हैं ओनली उनके इनकम के लिए या फिर टीचर्स क्यों लिख रहे हैं उनके जो भी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, दैट मीन्स मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ या फिर मेरा जो भी इंप्रूवमेंट है वो करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग मैं नहीं लिखूंगा, ये हो सकता है। देन नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ अ लैंग्वेज एंड कल्चरल बेरियर्स, समटाइम्स सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट एबल टू रीड द इंग्लिश लैंग्वेज, सो फॉर दिस पर्सन और फॉर दिस स्टूडेंट्स इंग्लिश बुक्स आर नॉट कम्फर्टेबल, सो दैट इफ यू आर ए गुड राइटर देन राइट योर टोटल इंफॉर्मेशन इन बायलिंगुअल और द मल्टीलिंगुअल सिस्टम, आप अगर कोई भी चीज़ों को शेयर करना चाहते हो इंफॉर्मेशन को तो टू और मोर लैंग्वेजेस में उसको शेयर करना पड़ता है ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स इसको एक्सेस कर सके। टेक्नोलॉजिकल इशूज़ आर ऑल्सो देयर समटाइम्स इफ एराटिक दैट इज कॉल्ड एरर, एरर बेस्ड इंटरनेट सिस्टम हुआ, कनेक्शन लॉस्ट दिखा या कनेक्शन इज वेरी पुअर और एबिलिटी नहीं है कनेक्शन का, दैन टेक्नोलॉजिकल इश्यूज के वजह से ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो वर्किंग नहीं करता है, एंड स्टूडेंट्स वो अपलोड भी नहीं कर सकते या डाउनलोड भी नहीं कर सकते। दैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट कंसर्न्स अभी मैंने बोला था एंड ऑलवेज आपको अगर पता नहीं चलता है तो आप एक बार किसी भी यूट्यूब चैनल का जो कॉपीराइट सेक्शन होता है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको चेक करिएगा, उसमें कॉपीराइट क्लेमर्स का एक ऑप्शन पूरा रहता है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कॉपीराइट शुड बी बैंड और फॉरबिडन एंड इट इज़ ओनली फॉर द फेयर यूज़, अगर कोई भी पिक्चर्स और कोई भी चीज़ को आप नेट से सर्च करके यूज़ कर रहे हो तो दैट फॉर ओनली फेयर यूज़, हम कोई रॉन्ग वे में यूज़ नहीं करेंगे, उसको एडिट करके हम डाल सकते हैं बट कोई रॉन्ग वे में हम यूज़ नहीं करेंगे, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, अगर सब यूज़ कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कॉपीराइट सेशन और क्लेम पड़ गया दैन क्या होता है उसको सीज किया जाता है, दैट मीन्स आपके जितने भी सब्सक्राइबर हो या कोई भी फॉलोअर्स हो जाए आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, ऐसे भी ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में, अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आ गया या कॉपीराइट बार बार आते रहा दैन वो फ्रीज हो जाता है या फिर सीज्ड हो जाता है, जस्ट लाइक वो यूज़ नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी इशूज, समटाइम्स क्या होता है ना ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है ये क्रिएटर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड ये पेमेंट बेसिस भी होता है, स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग भी होता है, तो ये सारे इश्यूज़ को ना एज अ ट्राइंगल आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने ट्राइंगल एक मेंशन किया, तो ये पहले आ गया हम कंसर्न किसके लिए हैं जो भी पेमेंट सिस्टम्स के लिए, देन जो भी यहाँ पे क्रिएटर्स हैं एंड जो भी इसमें अपडेट होते हैं या फिर लर्नर्स हैं जो भी स्टडी करते हैं उसके ऊपर, तो इस सब पॉइंट्स के ऊपर एक सस्टेनेबिलिटी और ब्रीज होना चाहिए जो भी इक्वल लेवल पर चले। एंड लास्ट जो पॉइंट है अगेन ये सिग्निफिकेंट जो बेनिफिट्स हैं लर्नर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज मैंने ओनली लिखा है राइट वन एंड फोर मेंशन किया, लर्नर्स के लिए क्या बेनिफिट है ऑलरेडी बेनिफिट पॉइंट पर, डिसएडवांटेज एडवांटेज के जो एडवांटेज पॉइंट पर आपने यूज़ किया है जो जो चीज़ उसको लिख दो तो हो जाएगा, बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है बिकॉज इतने में जितना पॉइंट्स लिख चुके हो ना वो 4 to 5 पेज हो जाएगा, सो हमें तो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना था फिर भी ये 4 to 5 पेज हो गया, तो ये पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर पढ़ना हो तो
लर्नर्स के लिए क्या इजी होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, एनी वेयर फ्रॉम एनी टाइम यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो यू कैन यूज इन द वेरियस फील्ड ऑल्सो. इट अलाउज द इंटरनेशनल लर्निंग और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये एक दूसरे से हमको जोड़ते हैं. हम कभी कभी फॉरेन ऑथर्स के भी बुक्स को पढ़ते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोज को भी देखते हैं, तो उसके बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे. वैसे ही यहाँ पे नेक्स्टली मेंशन है ये लिंक, लिंक इंपॉर्टेंट है. ये एक दो एग्जाम्पल्स देना है आपको, जैसे कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस OER @listserv.aed.organization, दैट इज़ अ ORG, एंड सब्सक्राइबिंग टू एन OER रिलेटेड लिस्ट सर्व, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी लिस्ट होगा, जो भी लिस्टेड सर्विसेज हैं उसके लिए लिंक है. तो मैंने यहाँ पे बोला ये इजी होगा आपको लिखने के लिए एंड ये इजी होगा. दैट इज़ अ ब्राउजिंग थ्रू द OER रिलेटेड जर्नल्स, जर्नल्स भी आते हैं OER के बेसिस पे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बेसिस पे. तो द मैडलॉट जर्नल, ये फर्स्ट जर्नल है, दैट इज़ अ मैडलॉट जर्नल. मैडलॉट जर्नल बोल सकते हैं, मैडलॉट जर्नल ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग. तो ये टोटल में जर्नल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग को बोलते हैं JOLT, दैट इज़ अ JOLT. और ओपन एजुकेशनल जर्नल्स होते हैं मार्लोट है या फिर ओपन एजुकेशनल जर्नल्स हैं, इतना मेंशन करेंगे और इससे एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, ठीक है. ओपन एजुकेशनल रिसोर्स और ओपन लर्निंग रिसोर्स इज सेम. इसमें अगर डिफरेंस अगर देखते हो तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत डिफर करता है कि क्या है. ओपन लर्निंग रिसोर्सेज इट इज़ अप्रूव्ड फॉर और इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, बट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज सम हाउ इन सम पॉइंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड थ्रू anyone. So, यहाँ पे सारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पॉइंट पे कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से किसी पर्सन को हम फॉरबिडन कर सकते हैं, बट ओपन लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल होता है. तो इतना पोर्शन नहीं लिखना है, एंड जो भी आपको एग्जाम्पल्स अभी तक मिले हैं एंड जितने आपको ऑडियोज हैं या फिर अभी का कुछ कुछ होता है ना, स्टोरी बुक्स आ रहे हैं, स्टोरी बुक्स के ऑडियोज आ रहे हैं, या फिर जस्ट लाइक हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स के ऑडियोज आ रहे हैं, FM रेडियोज के थ्रू भी आर्टिकल्स को बताया जा रहा है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसी एकेडमीज हैं, खान एकेडमी हो गया, जोरम हो गया, मार्लोट हो गया, नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, और एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज में जो भी है वो सब आप मेंशन कर सकते हैं. इवन इफ जो यूट्यूब लिंक्स हैं या फिर जो आप टेलीग्राम का लिंक्स हैं, वो टेलीग्राम का आप आईडी का लिंक्स भी दे सकते हो, जो आपको याद रहेगा. अपना भी कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे ओपन किया है, तो वो लोग भी अपना दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सारा एक्स्ट्रा चीज़ें एज एन एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है. क्लियर है इतना? सारा कुछ नहीं लिखिएगा, पूरा नहीं लिखना है, 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 ओनली लिखना है. एंड यूट्यूब एडू है, दैट मीन्स एजुकेशन. विकीवर्सिटी, दैट इज़ अ विकीपीडिया प्लस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज़ के जो भी इन्फॉर्मेशन है विकीपीडिया के थ्रू जो भी शेयर किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के इन्फॉर्मेशन वो. और एक है कॉलेज मेनिया बोल के है, कॉलेज मेनिया, जहाँ पे कॉलेज के इन्फॉर्मेशन आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल से. वैसे कॉलेज अड्डा ग्रुप भी है और उसका भी आपको मिल जाएगा. कॉलेज अड्डा भी है, अड्डा 24/7 भी है, 24x7. तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे यूट्यूब्स भी हैं, यूट्यूब्स के वीडियोस हैं एंड ऑडियोस हैं एंड इन्फॉर्मेशन भी, मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको. ओके, क्लियर है? यस और नो? टोटल क्लियर हो गए. ओके, अभी वॉइस में कोई इश्यूज नहीं है ना? सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके, बिकॉज ऑफ वेदर ये थोड़ा सा अप डाउन हुआ, सॉरी फॉर दैट. तो अभी ना लास्ट पोर्शन को चल रहे हैं, लास्ट पोर्शन को, ठीक है. 5.5, लीगल एंड एथिकल इश्यूज, लीगल एंड एथिकल इश्यूज. इसको मैं पहले से बता देती हूँ, ये बिल्कुल याद नहीं रहता किसी भी पर्सन का, अगर याद करते हो बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए इसको ना शॉर्ट में ही यूज़ करो. बिकॉज लॉन्ग में अगर मार्क फेचिंग करना है तो ICT का और बहुत क्वेश्चंस है, उसको यूज़ करें. जस्ट लाइक इंटरनेट और जस्ट लाइक नेटवर्किंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS हो गया, देन डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्या है, जस्ट लाइक विंडोज, हाँ यस, DOS एंड विंडोज है, तो उसको मेंशन करिए. वो सारे मार्क फीचिंग होंगे. ये पोर्शन को शॉर्ट में ही अपीयर करिए, ये आने का भी चांसेस कम है, रेयर है, फिर भी अगर अपीयर कर रहे हो तो शॉर्टली अपीयर करो. अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग 1-2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर भी समझ लेते हैं इसका क्या क्या पोर्शन है, वो देख लो पहले. रीयूज ऑफ योर वर्क, जो पोर्शन अभी पढ़ के आए, पोस्टिंग न्यू अनपब्लिश्ड वर्क, टर्म्स एंड, यस यस प्लीज आस्क.
ओके, कोई इश्यूज नहीं है. ऑलरेडी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जस्ट एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है. रिसोर्सेज व्हाट इज अवेलेबल इन द इंटरनेट और वेबलिंक्स और एनी टाइप ऑफ मीडिया, दैट इज कॉल्ड द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. उसके एलिमेंट्स हैं, कंटेंट है, दैट मीन्स अ कंसेप्ट है, एंड जो भी उसके लिंक्स होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज. तो उतना पोर्शन वन टाइम आप लोग सुन लेना, जो भी क्लास लेट से अटेंड करो सुन लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है. अगर फिर भी नहीं समझ आया, हम लोग कवर करने के बाद एक वन टाइम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है. ओके ओके, ये पोर्शन को करते हैं. और एक क्वेश्चन मुझे दिखाना है, इसलिए मैं लास्ट जा रही हूँ थोड़ा. ओके ओके, सो देखो, कंप्यूटर एथिक्स एंड लीगल इशूज, कंप्यूटर एथिक्स एंड लीगल इशूज, एक्चुअली ये दोनों सेम आंसर है. कंप्यूटर हैकिंग होता है, क्राइम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारी चीज़ें होते हैं. तो ये 5.5.1 है, 5.5.1. सो यहाँ पे मेंशन है क्या, इसका क्वेश्चन देखो, लीगल एंड एथिकल इश्यूज हैं. सो यहाँ पे जो एथिकल इश्यूज और लीगल इश्यूज हैं, इट इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन और द यूट्यूब वर्क्स, जहाँ पे कॉपीराइट होने का बहुत चांसेस होता है. एंड इसमें भी कुछ कुछ हम लोग को मानना पड़ता है, दैट मीन्स जस्ट लाइक प्रोटोकॉल्स, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स माने पड़ते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा. तो वैसे मैं बता दूं कि 5.5.1 का जो भी पोर्शन है उसको प्रिपेयर करके जाओ, ये पोर्शन को स्किप कर देना, फिर भी हम लोग तो पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा बहुत अभी रिवाइज कर लेते हैं. सो दिस मॉड्यूल इज अबाउट, मतलब दिस इंफॉर्मेशन, दिस मॉड्यूल मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट द लीगल एंड इथिकल इशूज, जो भी एथिक्स के बेस पे इश्यूज आते हैं. कीप इन माइंड व्हेन यूजिंग सोशल मीडिया, जब भी आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो तो बहुत सारे पॉइंट्स को माइंड पे रखना चाहिए. एंड दस इज इंश्योर योर रिसर्च प्रोफाइल इज रेस्ड फॉर ऑल द राइट रीजन, नॉट द रॉन्ग वंस. आप जो भी रिसर्च कर रहे हो कोई भी प्रोफाइल का, और आपका जो प्रोफाइल है, जैसे कि आप मेंशन करते हैं कि आई वेंट टू दिस स्कूल्स और दिस कॉलेज एंड दिस इज माई जॉब प्रोफेशन एंड दिस इज माई लिंक ऑफ अदर मीडियाज जस्ट लाइक इंस्टाग्राम और अदर थिंग्स, एंड मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे बेसिक रहा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट्स क्या है, तो ये सबको शेयर नहीं करना चाहिए, इतना डिटेलली शेयर नहीं करना चाहिए. कभी भी कोई भी पॉइंट पर हैकिंग हो सकता है. तो ये सारा पॉइंट पे माइंड पे रखना है, ये सारे पॉइंट्स को, दैट इज ये रॉन्ग रीजन के लिए ना यूज हो ऐसा देखो. तो उस पॉइंट्स पे तो आपको बहुत सारा आइडियाज होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस एबहॉप जितने भी चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, उसके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, एट द कंक्लूजन ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग. किस बेसिस पे समझना है, एथिकल इश्यूज ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशन उसको समझो. एथिकल इश्यूज ऑफ द डू नॉट हार्म, और दैट इज डू नो हार्म मेंशन है, तो डू नॉट हार्म भी आप लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं होगा. एथिकल इश्यूज फॉर ISPs, दैट इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और प्रोटोकॉल सर्विसेज जो भी रहता है, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो भी सर्विसेज प्रोवाइडर्स रहते हैं वो. हाउ टू एनालाइज एन एथिकल इशू, कैसे एनालाइज करेंगे एक एथिकल इशूज को, तो उस पॉइंट पे समझना है. देन नेक्स्टली मेंशन करना है रीयूजिंग अदर पीपल्स वर्क. जब भी आप कभी भी मेंशन होता है ना कि ये कंसेप्ट को आप क्या कर सकते हो, कॉपीराइट कर सकते हो. सो इमेजेस माइट बी यूज टू कॉपीराइट, तो यहाँ पे ऐसे मेंशन होता है, जब भी आप कोई भी पिक्चर को डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द इंटरनेट, वहाँ पे नीचे देखिएगा एक इन्फॉर्मेशन ऐसा रहता है, इमेजेस माइट बी फॉर कॉपीराइट यूज. तो कॉपीराइट के लिए ये यूज है, आपको कोई भी यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम में नहीं डालेगा. बट समटाइम्स सम मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द इंटरनेट एंड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाई द कॉपीराइट सिस्टम. तो ये कॉपीराइट के अकॉर्डिंग जो भी लीगल इंफॉर्मेशन है, और लीगली इसको हमने प्रोटेक्टेड किया कि कोई भी पर्सन इसको कॉपी नहीं कर सकता, या फिर कोई भी पर्सन इसको क्या नहीं कर सकता, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता. आप इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हो, बट कोई भी चीज़ नहीं कर सकता. अभी मोस्ट ऑफ दी थिंग्स को ऐसे ही रखा गया है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं वहाँ पर डू नॉट कॉपीराइट का ऐसे मेंशन होता है, एंड उसमें आप स्क्रीनशॉट भी नहीं. एम आई ऑडिबल? ओके, एक्चुअली कॉल आया इसलिए सॉरी फॉर दैट. चलो
सो मैटरियल्स ऑन द इंटरनल इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड बाई द कॉपी राइट एंड यू हैव नो लीगल राइट टू कॉपी अदर्स पीपल्स वर्क और मेक इट पब्लिक ऑन द इंटरनेट. कभी भी ऐसे मैंशन होता है, अगर मैं और भी ईजी करती हूँ इंटरनेट सिस्टम, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट मीन्स ओनली गूगल होगा या क्रोम होगा या याहू और मोजिला फायरफॉक्स होगा, तो ऐसा नहीं है. और भी बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक इंटरनेट हो गया, ट्विटर हो गया, हैकिंग वहाँ पर भी होता है, तो इंटरनेट हो गया या फेसबुक हो गया, तो इन्फॉर्मेशन आप लोग क्या करते हो, अभी लॉकिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, दैट इज लॉक्ड करके रख रहे हो, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोई भी पर्सन ऐसे देख नहीं सकता या फिर उसको कॉपी नहीं कर सकता, उसके साथ डुएटिंग नहीं कर सकता. सो इस पोर्शन के लिए इतना आप मेंशन करेंगे, ठीक है. कोई भी देखो यहाँ पे मेंशन है, ब्लॉग, वेब पेज, फेसबुक पेज, एनी अदर सर्विसेज यूज टू पोस्ट कंटेंट ऑनलाइन, तो आप लोग यूज करते हो अपने ऑनलाइन सिस्टम में अपने वर्क को प्रेजेंट करने के लिए या फिर कोई भी पिक्चर्स को प्रेजेंट करने के लिए. सो ये सिस्टम में आपने ये यूज़ किया कि री यूजिंग जब करें कॉपीराइट का क्लेम देखना ही पड़ता है कि लीगली ये है कि नहीं. आप किसी भी पर्सन की कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते हो. री यूजिंग वर्क यू हैव ऑलरेडी पब्लिश, आप जो वर्क पहले पब्लिश कर चुके हैं उसको फिर से आपको क्या करना है, यूज़ करना है. सो व्हेन ए जर्नल, एक जर्नल और आर्टिकल और बुक इज पब्लिश्ड, दैट मीन्स पब्लिश्ड होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, ठीक है. एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट मेंशन होता है कि आप इस पोर्शन को अगेन रिपीटली यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने आर्टिकल एक पब्लिश कर दिया, तो वो आर्टिकल को मैं फिर से यूज़ नहीं कर सकती. ये होता है आपका पब्लिकेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट, कि पब्लिकेशन में आपको साइन अप करना पड़ता है कि ये चीज़ मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, तो वो कॉपीराइट जैसा ही हो जाएगा, तो आप नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट, कंट्रोलिंग रीयूज ऑफ योर वर्क, आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो डायरेक्टली आपको पॉइंट में जाना है, ये पॉइंट है, पॉइंट्स पे जाना है, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन कंट्रोल द रीयूज योर कंटेंट बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट शेयरिंग ऑप्शन. सो आप जब शेयरिंग कर रहे हो ना, जैसे कि YouTube में भी मेंशन होता है, बिकॉज मैं अभी YouTube के साथ लिंक्ड हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन उतने पता है कि मैं अगर कोई भी चीज़ को वहाँ पे छोड़ती हूँ, इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं. एक होता है प्राइवेट ऑप्शन, इट इज़ ओनली विजिबल टू दोज पर्सन हु हैव द लिंक, जिनके पास लिंक्स होते हैं फॉर दिस वीडियो, तो वही इसको पब्लिश कर सकते, सॉरी देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं या फिर वो वॉच कर सकते हैं. सो नेक्स्ट और एक ऑप्शन रहता है कि दैट इज़ अनपब्लिश्ड, मतलब ये आपके क्यू में रहेगा बट ये पब्लिश नहीं होगा. और एक होता है पब्लिक, दैट मीन्स ये सबके लिए प्रेजेंट है, तो ये सबके लिए वॉचेबल होता है, सब वॉच कर सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शंस भी आप दे सकते हो, कोई भी यूट्यूब का दे सकते हो. यहाँ पे फ्लिकर मेंशन है, फ्लिकर ऑफर्स अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू इट्स यूजर रेंजिंग फ्रॉम ऑल राइट्स रिटेन टू सम राइट रिजर्व. सो आपके पास जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, इसके भी राइट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन करना पड़ता है. देन डिस्प्लेइंग ए लाइसेंस, कभी ना आप यूज़ करें कोई इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए एप्लीकेबल हो कि नहीं हो, या फिर आप फर्दर इसको हैकिंग करने के लिए यूज़ करें. तो ओपन डाटा कॉमन्स में, जस्ट लाइक ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्सेज था ना, उसके लिए जैसे लाइसेंस चाहिए, इसके लिए भी चाहिए. देन राइटिंग योर ओन सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन, सपोज जैसे कि टेलीग्राम में ऑप्शंस हैं कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस ये रखी हूँ कि मैं शेयर कर सकती हूँ, ये वन वे चल रहा है, मैं ओनली आंसर्स और दैट इज़ अ पीडीएफ्स को शेयर कर सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ. इफ़ यू वांट टू आस्क देन पर्सनली यू कैन शेयर मी और यू कैन आस्क मी. तो आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो या आस्क करना चाहते हो, तो आपके प्रॉब्लम्स को मुझे बता सकते हो, बट ग्रुप वाइज में इसको हम क्या नहीं करेंगे, डिस्कशन ग्रुप नहीं बना रहे, ओनली नोट्स के ग्रुप्स बना रहे. तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक हो जाता है, जब भी आप लोग कुछ करते हो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स और ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो या बना सकते हो. देन नेक्स्टली पोस्टिंग न्यू अनपब्लिश्ड वर्क, सो जब भी आप अनपब्लिश्ड वर्क को पब्लिश करते हो या फिर पोस्ट करते हो, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो पॉलिसीज होते हैं उसके थ्रू ही हो सकता है. सपोज ये कोई भी इन्फॉर्मेशन सर, जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ भी मेंशन होगा, इन अप्रोप्रिएट वीडियोज, जस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का हो सकता है या फिर कन्विंटिंग, सॉरी
कन्विक्टिंग सम टाइप ऑफ क्राइम, हम यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं, और सम टाइम्स आप किसी को सेक्सुअली हैरेस कर रहे हो या अब्यूजमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को, या फिर क्राइम्स डिफरेंट टाइप के क्राइम्स हैं, यहाँ पे आप चोरी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों का वीडियो बना के रॉन्ग वे में जो रहता है उसको आप शेयर नहीं कर सकते हो, बाई रॉन्ग टच या मोरल वैल्यूज को जो हार्म करता है उसको आप शेयर नहीं कर सकते एज पर द कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल पॉलिसी। सो यहाँ पे क्या है वो देखो, जो पॉइंट्स मैंने बोला अभी देखो, डैमेज ए पेटेंट एप्लीकेशन, ये सब नहीं करना चाहिए, इट ओंट नहीं करना चाहिए, डैमेज ए पेटेंट एप्लीकेशन, स्टॉप यू और योर सुपरवाइजर पब्लिशिंग द वर्क लेटर, कोई भी आप पोस्ट करना चाहते हो या बाद में पोस्ट करना चाहते हो तो उसको रोक दो, जिस टाइम का आपने टाइमिंग दिया है सबको उसी टाइम पे पोस्ट करो, अदरवाइज जो लेट में होगा या फिर कोई पर्सन आपको गाइड कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, तो वो चीज़ मत करो। इन्फ्रिंज समवन एल्स राइट, आप किसी के राइट्स में दखल ना दो, दैट इज कॉल्ड द दखल हम बोलते हैं, कि मतलब आप जो काम कर रहे हो मैं वहाँ पे आके ठांग रहूँगी, वैसा टाइप का। हाईलाइट दैट एनिमल रिसर्च इज डन इन योर लैब, अगर ये नहीं करना है आपके लैब में एनिमल के ऊपर टेस्टिंग हो रहा है या फिर कोई भी रिसर्च हो रहा है तो वो चीज़ मत पब्लिश करो। ब्रेक ए प्रायर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है ना, मतलब पहले से ही आपने इसको साइन अप कर दिया तो उसको आप ब्रेक कर दे रहे हो, अगर ऐसा है तो उसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इट ओंट ब्रेक ए प्रायर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, जो आपने पहले से साइन किया है उसको कॉन्फिडेंशियल रहने दो, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। पोज अ रिस्क टू नेशन सिक्योरिटी, समटाइम्स क्या होता है ना, ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं रॉन्ग वे में, सो जिसके वजह से वर्स हो सकते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, जिसके थ्रू नेशन को रिस्क बढ़ जाए, नेशन के लिए रिस्क बढ़ जाए। देन है टर्म्स एंड कंडीशन, कैसे लिखना है सोशल मीडिया में सर्विसेज के लिए, कुछ आइटम्स आप मेंशन करोगे एंड दैट इन द फॉर्म ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड मेक्स योर यू रीड दैम सो यू नो what the supplier can do with the content. आपको पता चले इफ़ यू आर द कंटेंट क्रिएटर, आप कंटेंट क्रिएटर हो एंड आपने कंटेंट क्रिएट करके दे दिया पब्लिशर को, जब वो पब्लिश कर रहा है देन उसको क्या क्या करना है आपके कंटेंट के साथ, वो एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेपर बनाएगा एंड आपको सेंड करेगा, आप उसको अच्छे से पढ़ो उसके बाद साइन करो। ओके, टिप्स नहीं लिखना है, डायरेक्ट पर्सनल डाटा, पर्सनल डाटा को ऑलवेज प्रोटेक्टेड रखिए, दैट इज़ अ डाटा प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, एंड जनरल पब्लिक में आप अगर शेयर करो वो उससे प्रिवेंट रखो, मतलब उसको मत करो। ऑफिशियल सीक्रेट्स, कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट्स को ना पब्लिकली प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन को बहुत कॉन्फिडेंशियल वे में हैंडल करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट बेस्ड हो गया, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज और एनी कंसल्टेंसी बॉडीज हो गया, इसके इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन माइनर्स, दैट इज सम माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑल्सो देयर, माइनर ग्रुप्स एससी एसटीज एंड मेनी अदर ग्रुप्स आर ऑल्सो देयर, सो उनको अगर हैरेस किया जा रहा है स्कूल्स कॉलेजेस और एनी अदर टाइप की थिंग्स पे, दैट इज माइनॉरिटीज ग्रुप्स ऑल्सो एससी एसटीज नहीं है, यहाँ पे हैंडीकैप पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप और एनी टाइप ऑफ बॉडीली हैंडीकैप हो गया, पैरालाइज हो गया, ये पर्सन को भी हैरेस किया जाता है बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में, तो उनके वीडियोज बना के रफली कहीं पर भी यूज करना ये एक क्राइम है, तो उसको भी आप यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे। रेस रिलेशन, ये वन काइंड ऑफ एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रेस रिलेशन एक्ट 1976 फॉरबिड्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस और एथनिक ओरिजिन। सपोज मैं ओडिशा की हूँ एंड आप दिल्ली के हैं या फिर आप गुजरात के हैं, तो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर मेरे ओन रीजन के वजह से, दैट मीन्स मुझे आपका कल्चर पसंद नहीं या कुछ भी पसंद नहीं है, तो उसके बेसिस में मैं आपको सेपरेट कर रही हूँ या फिर मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, तो इस चीज़ को भी क्राइम पकड़ा गया है एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ द रेस रिलेशन एक्ट 1976, जब भी हम लोग फेसबुक हो, ट्विटर हो और एनी अदर मीडियाज पे हम कुछ शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ये एथनिक ग्रुप्स और रेस और दैट इज कॉल्ड जाति, जाति के ऊपर नहीं होना चाहिए, जाति भेदाभेद और दैट इज कॉल्ड जाति डिस्क्रिमिनेशन उस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, अगर होता है उसके अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर कोर्ट पे केस पड़ जाएगा। ठीक है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैटरियल, सेक्सुअली तो आपको पता है कि सेक्सुअली बहुत सारा आजकल क्राइम्स हो रहे हैं सेक्सुअली हैरेसमेंट का, तो उस मैटेरियल्स को जस्ट लाइक कॉलेज में हो गया अब्यूजमेंट केस और उसके वजह से किसी ने सुइसाइड कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को फॉरबिडन किया गया, रोका गया, तो उसके लिए भी एक एक्ट है, दैट इज अ क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994, और एक एक्ट है ऑप्शंस पब्लिकेशन एक्ट 1959 से चल रहा है। सपोज आपके
आप अनकंसियस हैं एंड आपके अनकंसियसनेस पे आपके साथ कुछ भी अब्यूजमेंट किया गया और हैरेसमेंट आपको किया गया, उसको वीडियो बना के छोड़ दी. सो इस टाइप का जो थिंग्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक हटाना है, बंद करना है. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको फॉरबिडन किया गया. वैसे क्रिमिनल जस्टिस पब्लिक ऑर्डर एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अनकंसियस माइंड पे आप रह के कोई भी पर्सन आपके साथ कुछ भी करता है, उसके रिलेटेड हो, रैगिंग के रिलेटेड हो, या फिर एनी अदर पब्लिक हैरेसमेंट हो, जस्ट लाइक आपको टॉर्चर किया गया, हैरेसमेंट किया गया, आपको खाने नहीं दिया गया, या फिर आपको बुली किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी फॉरबिडन लगाया जाएगा, दैट मीन्स रोका जाएगा. तो ये हो गया. अभी कंप्यूटर एथिक्स एंड लीगल इश्यूज जो है, तो उसके आपको अभी कंप्यूटर के बारे में पूरा लिखना है. दैट इज अ डिफाइंड कंप्यूटर एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी, कंप्यूटर क्राइम एंड द साइबर लॉ. सो यहाँ पे डेफिनेशन में इसका मतलब क्या है, मतलब कंप्यूटर एथिक्स का मतलब है, यहाँ पे कंप्यूटर एथिक्स ऑनली नहीं रहता, वेरियस थिंग्स रहते हैं. दैट इज अ कोड ऑफ एथिक्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोडेड फॉर्म में रहते हैं, उसका भी एक एथिक्स है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज ये नॉलेज के साथ रिलेटेड है. प्राइवेसी मेंशन होना चाहिए, कंप्यूटर क्राइम, साइबर लॉ एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ होंगी. आफ्टर दैट एथिक्स एंड लॉज के अंदर आप डिफ्रेंशिएट करोगे कौन से इंपॉर्टेंट है. एथिक्स के लिए क्या रहता है, एक गाइडलाइंस रहता है जनरल फॉर्म्स में. सो ये गाइडलाइंस इज नीडेड टू स्टॉप द करेंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. समटाइम्स क्या होता है, जो एक्सप्लॉइटेड प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी हार्मफुल, जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि अभी मैंने बहुत सारे हैरेसमेंट का बोला, तो वो सारे पॉइंट, तो उसको आप अगर हटाना चाहते हो. जैसे क्या होता है ना, एक वीडियो को मैंने अपलोड किया, तो उसका कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्डेड करके अगेन उसमें वॉइसेस या अदर कुछ चेंजेस करके एडिट करके उसका सीडी और रेप्लिका बना सकता है, रेप्लिकेटिंग कर सकता है, दैट मीन्स मेनी कॉपीज बना सकता है, ठीक है, एंड सेलिंग कर सकता है प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. तो ये क्या हो गया ना, वन काइंड ऑफ क्राइम हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है. कंप्यूटर एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स, मोरल वैल्यूज, यूज्ड एज ए गाइडलाइंस फॉर द कंप्यूटर यूजर्स. कंप्यूटर एथिक्स में क्या होता है, एक्चुअली मोरल वैल्यूज एंड मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर यूजर्स उनको मेंशन करेंगे या फिर जब भी यूज करें कंप्यूटर को वो सारे याद रखेंगे. यहाँ पे देखो बहुत सारे क्राइम्स का मेंशन है, तो ऑलरेडी मैंने क्राइम्स का आपको बोल दिया है. द यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स हैज कम आउट विद द 10 कमांडमेंट ऑफ द कंप्यूटर एथिक्स, एंड इट इज ऑलवेज पॉसिबल थ्रू द इफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट. दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब भी यूज करें तो कुछ कोड यूज किया जाता है, उसके थ्रू यूज करना चाहिए. तो उसके बेसिस पे 10 कमांड्स मेंशन है. यू शैल नॉट यूज अ कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल, लोगों को हार्म करने के लिए आप यूज नहीं करेंगे. यू शैल नॉट, कंपल्सरी वर्ड है, यू शैल नॉट इंटरफेयर विद द अदर पीपल्स कंप्यूटर वर्क. मेरे कंप्यूटर में आप आके वर्क नहीं करेंगे या फिर मेरे वर्क के साथ आप कोई भी मिसयूज नहीं करेंगे. यू शैल नॉट स्नूप अराउंड इन अदर्स पीपल्स कंप्यूटर फाइल्स. दैट मीन्स छानबीन करना होता है ना, जस्ट लाइक आई एम स्नूपिंग अराउंड योर फाइल्स और आई एम स्नूपिंग अराउंड योर हाउस, मैं घूम रही हूँ आपके घर के आसपास, क्योंकि मैं जस्ट लाइक स्टॉकिंग करना, वैसा नहीं करना है. यू शैल नॉट यूज अ कंप्यूटर टू स्टिल, चोरी करने के लिए मत करना है. यू शैल नॉट यूज अ कंप्यूटर टू बियर फॉल्स विटनेस. कभी कभी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है फॉल्स विटनेस को क्रिएट करने के लिए. यू शैल नॉट कॉपी और यूज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, जो पहले से सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारे वर्क करते हो, वैसे यूज नहीं करना चाहिए. यू हैव नॉट पेड, जो पर्सन पेड किया है वो यूज कर सकता है, उसको कॉपी करके अगेन यूज मत करो. यू शैल नॉट यूज अदर पीपल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन और द प्रॉपर कंपेंसेशन. किसी के बिना परमिशन में आप किसी के कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते, उसके परमिशन और कंपेंसेशन के साथ ही यूज करना चाहिए. यू शैल नॉट अप्रोप्रिएट अदर पीपल्स इंटेलेक्चुअल आउटपुट, उसका जो नॉलेज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी मत करो या फिर उसको चोरी मत करो. यू शैल थिंक अबाउट द सोशल कंसिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट के बारे में सोचो, जो भी सोशल सामाजिक जो रिजल्ट आएंगे, दैट इज द सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रोग्राम यू आर राइटिंग और द सिस्टम यू आर डिजाइनिंग, जिसके लिए आपने एक सिस्टम को डिजाइन किया है या फिर आप कोई भी मीडिया में जाके लिख रहे हो किसी भी पर्सन और सोसाइटी के लिए, वैसा सोच के लिखा करो. यू शैल ऑलवेज यूज ए कंप्यूटर, आपको यूज करना चाहिए ऐसा कंप्यूटर, ऐसे सिस्टम में दैट एंश्योर कंसिडरेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर यू फेलो ह्यूमंस. आपके साथ जो लोग हैं, जो आपके साथ ही रहते हैं, ऑलवेज बॉन्डिंग है आपका, उसको रेस्पेक्ट करें, ऐसा चीज रखा करो और ऐसे कंप्यूटर को यूज करना चाहिए. ओके, हो गया, समझ आ